मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को लेकर अब सियासी जंग तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी पर हमले के लिए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सामने आई हैं। उन्होंने सत्येंद्र जैन के मामले में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से 7 सवाल पूछे हैं। स्मृति ईरानी ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने 4 शेल कंपनियों, सहयोगियों और परिवार के सदस्यों की मदद से 2010 से 2016 के बीच 54 शेल कंपनियों के साथ 16 करोड़ 39 लाख की लूट की है। जिस सत्येंद्र जैन ने स्वयं स्वीकार किया कि 16 करोड़ 39 लाख मनी लॉन्ड्रिंग हवाला ऑपरेटर्स के माध्यम से की गई उन कंपनीज में जिनमें सत्येंद्र जैन और उनके परिवार की भागीदारी है, केजरीवाल जी, क्या वो व्यक्ति आज भी आप द्वारा संचालित सरकार का मंत्री बना रहना चाहिए? स्मृति ईरानी ने कहा है कि क्या ये सच है कि प्रधान आयकर आयुक्त ने स्वीकार किया है कि ये 16 करोड़ 39 लाख जैन के थे। स्मृति ईरानी के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने इनकम टैक्स कमिश्नर के निष्कर्षों की पुष्टि की है कि सत्येंद्र जैन 16 करोड़ 39 लाख के धन के असली मालिक हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सत्येंद्र जैन 4 शेल कंपनियों के लाभार्थी हैं और वो अपनी पत्नी के साथ इन शेल कंपनियों को कंट्रोल करते हैं। क्या ये सच है कि इनमें से किसी एक कंपनी में उनकी पत्नी के नाम पर अधिकांश हिस्सेदारी है? उन्होंने सत्येंद्र जैन पर उत्तरी दिल्ली में 200 बीघा अनाधिकृत जमीन खरीदने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने सत्येंद्र जैन के जमीन खरीदी को आम आदमी पार्टी सरकार से जोड़कर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने निवेश पर बड़ा रिटर्न मिलने पर आपने इन कॉलोनियों पर आधिकारिक मोहर लगा दी थी। क्या ये सत्य है कि जो 200 बीघा की जमीन है वो उन अनऑथराइज कॉलोनीज के आसपास है जिसके संदर्भ में मंत्रालय सत्येंद्र जैन जी का और आम आदमी पार्टी के माध्यम से क्या ये कारण बना कि वो अनऑथराइज कॉलोनीज रेगुलराइज हुई? वहीं अरविंद केजरीवाल ने स्मृति ईरानी के आरोपों का जवाब देते हुए सत्येंद्र जैन को कट्टर ईमानदार आदमी बताया और उन्हें मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल देने के लिए पद्म विभूषण का हकदार भी बताया। ईडी जांच करना चाहती है, कर ले, सारी जांच से साफ सुथरे निकल के आएंगे और वो तो ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे देश को गर्व होना चाहिए। उन्होंने देश को एक मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिया जिसको देश नहीं पूरी दुनिया से लोग देखने आ रहे हैं। दिल्ली को एक ऐसा स्वास्थ्य का मॉडल दिया, हेल्थ का मॉडल दिया कि सबका इलाज फ्री हो रहा है अब दिल्ली के अंदर, सारी दवाइयां सब। उन्हें तो मुझे लगता है कि पद्म भूषण, पद्म जो भी सबसे टॉप है, पद्म विभूषण देना चाहिए। केजरीवाल ने ये भी कहा कि सत्येंद्र जैन देशभक्त आदमी है, उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को चुनौती दी कि ईडी चाहे तो जांच कर ले, सत्येंद्र जैन दूध के धुले ही निकलेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन आगामी 9 जून तक प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। बहरहाल उनके नाम पर दिल्ली की सियासत में तूफान खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APM।